एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और हमने आपको बहुत कुछ यहाँ पर बताया है, जिससे सेटिंग, जीमेल की सेटिंग, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन है ना। फिर मैंने आपको नेविगेशन ऑफ ईमेल, रीडिंग ऑफ ईमेल बताया है, और फिर मैंने आपको टैब्स से नेविगेट करने का तरीका भी बताया है। आइए पहले, सबसे पहले टैब्स जो भी हैं उनको तो हम सीखेंगे ही, जानेंगे कल, लेकिन आज हम कुछ शॉर्ट कमांड्स सीख लेते हैं। आज हम चाहते हैं कि सिखा दें आपको, क्या सिखा दें, कुछ शॉर्ट कमांड्स। तो दोस्तों, आपको बताया था ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आप रिवन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर आपको मैसेज टैब, फाइल टैब वगैरह वगैरह सारे टैब्स मिलेंगे, ठीक है? तो ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। अब ठीक है, तो याद रखना कि आपको यहाँ पर, हमने सोचा था आज बताएंगे कि ईमेल कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले भी ज़रूरी है कि कोई अटैचमेंट हो। तो हम अटैचमेंट, हमने ईमेल रीडिंग करना तो सीख लिया, लेकिन अगर कोई अटैचमेंट है तो वो अटैचमेंट कैसे चेक करेंगे, उसको कैसे हम सेव करेंगे, वो हम सिखाएंगे कल आपको। तब हम बाकी ईमेल करना सिखाएंगे, ताकि रीडिंग ऑफ ईमेल आ गया है, अब आपको अटैचमेंट सेव ऑफ ईमेल आ जाए, ठीक है? अटैच फाइल समझते हैं ना, जो ईमेल के साथ एक अटैच, मतलब उसके साथ में भेजी जाती है, जिसे हमें डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है? याद होगा आपको, मैंने बताया है कई बार। तो चलें, अब जो फिलहाल आप सीखने वाले हैं हम, वो कुछ शॉर्ट कमांड्स हैं। चलिए हम आउटलुक खोलते हैं, विंडो और करेंगे OUTLOOK और कंट्रोल एंटर या एंटर डाल देंगे, ये नहीं कर देंगे। वहाँ पे टाइटल चेक कर लेंगे, इनबॉक्स में कर्सर आएगा, अप डाउन एरो, टैब, शिफ्ट टैब, जैसे भी ईमेल को नेविगेट करें और जो ईमेल चाहते हैं आप उसको खोल लें, कोई भी ईमेल आप खोल लें, ठीक है? और खोलने के बाद आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं, कंट्रोल राइट एरो, शिफ्ट है ना, वर्ड कैरेक्टर, कंट्रोल लेफ्ट एरो और लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो फॉर कैरेक्टर बताया था, कंट्रोल राइट एरो फॉर वर्ड, लेफ्ट एरो फॉर प्रीवियस कैरेक्टर, कंट्रोल लेफ्ट एरो फॉर प्रीवियस वर्ड, डाउन एरो, इन तमाम चीज़ों, ऑल्ट डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो, इन सब से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब क्या बता रही हूँ कि यहाँ पर हम, मान लीजिए हमें देखना है कि ये ईमेल को हम शॉर्ट कमांड के थ्रू देखें कब आई है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ जितने भी नंबर कीज है ना, वो हमारे बेहतरीन काम करेंगे और हम इसका यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि ऑल्ट के साथ वन प्रेस किया तो फ्रॉम बताएगा किस ईमेल से आई है, कहाँ से आई, किस कंपनी से, हमें माइक्रोसॉफ्ट, वो ये जो तो ईमेल आया है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तो एक ईमेल क्लाइंट है जिसकी मदद से हम अपनी ईमेल्स को देख पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, तो वो उन्होंने तो जीमेल पे किया है ना ईमेल, ये तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हमें बता रहा है। दूसरा, ऑल्ट टू से हमें डेट पता चल जाएगी, इसी तरह ऑल्ट थ्री से टू पता चल जाएगा, और ऑल्ट फोर अटैचमेंट है कि नहीं है, इसी तरह से ऑल्ट के साथ अगर वन से लेके एट तक आप की प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस वन, ऑल्ट प्लस टू, ऑल्ट प्लस थ्री, ऑल्ट प्लस फोर, ऑल्ट प्लस फाइव, ऑल्ट प्लस सिक्स, ऑल्ट प्लस सेवन, ऑल्ट प्लस एट, तो ये सब कमांड्स आपका काम करेंगी। मैंने प्रॉपर, मेरे दिमाग से इस टाइम निकल गया है, मगर जो बता रही हूँ वैसे ही काम करेंगी, बिल्कुल सेम, लेकिन एज इट इज़ बता दूँ मैं आपको, ऑल्ट वन, ऑल्ट टू का तो मुझे याद है, ऑल्ट वन से जैसे फ्रॉम कहाँ से आई है, ऑल्ट टू से मतलब डेट बताएगा, ऑल्ट थ्री से कि और कितने बजे किस ईमेल पर आई है, फिर ऑल्ट प्लस फोर से ऐसे ही है ना कि कौन, जैसे कि मान लीजिए कौन सा मैसेज, ऑल्ट फाइव अटैचमेंट है कि नहीं, ऑल्ट प्लस सिक्स, ऑल्ट प्लस सेवन, ऑल्ट प्लस एट, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स करेंगी ये सारी शॉर्ट कमांड्स, क्या करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वर्क करेंगी ये सभी शॉर्ट कमांड। तो आपको क्या करना है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है एक्चुअली इस वक्त, तो मुझे पता तो है कि ये कमांड काम करेंगी प्रॉपर, जो है बिल्कुल प्रॉपर एज इट इज़ उसी वही कमांड मैं आपको मुंह से बोल के बताऊं। इसके लिए आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ऑल्ट प्लस वन, ऑल्ट प्लस टू, ऑल्ट प्लस थ्री, ऑल्ट प्लस फोर, ऑल्ट प्लस फाइव, ऑल्ट प्लस सिक्स, ऑल्ट प्लस सेवन, ऑल्ट प्लस एट,
और ये कमांड डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेंगी, कहाँ से ईमेल आई, कौन सी आई, किस डेट को आई, अटैचमेंट है नहीं है, और दूसरी बात, दूसरी दूसरी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें काम करेंगी, कमांड्स काम करेंगी। इन कमांड्स के थ्रू हम अलग अलग काम कर सकते हैं। तो कुछ काम मैं भूल गई हूँ कि एक कमांड से और क्या क्या, जैसे कि मैं आपको प्रॉपर ये चीज़ें बता रही हूँ इतनी सारी, तो उसमें और भी बता देती। तो बहरहाल आप वो लैपटॉप पे देख लीजिएगा, ऑल्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, फिर ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करेंगे, लेकिन जिस ईमेल को खोलने के बाद, माइक्रोसॉफ्ट पे मतलब अकाउंट में इनबॉक्स में जाके मेल खोलने के बाद, Alt+3, Alt+4, Alt+5, Alt+6, Alt+7, Alt+8, इस तरह आप 8 बेहतरीन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की कमांड सीख जाएंगे। कितनी? यू विल बी लर्न 8 फंटास्टिक एंड फास्ट 8 शॉर्ट कमांड्स फॉर यूज द आउटलुक, MS आउटलुक। ठीक है, तो आप इस आउटलुक का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए क्या सीख जाएंगे? 8 शॉर्ट कमांड जो बहुत बेहतरीन है। तो ये ऑल्ट के साथ 1 से लेके 8 तक, यानी ऑल्ट के साथ न्यूमेरिक की को प्रेस करना है और आपको देख लेना है। और मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रही हूँ, मैं वादा करती हूँ कि आप अगर मुझे फॉलो करते रहे, इसी तरह चलते रहे, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। कल के ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।